देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में कल उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्राप्त हुआ है वो अद्भुत है, अभिनंदनीय भी है। न केवल देश के अंदर बल्कि आधी आबादी तो पूरी तरह मोदी जी के सुरक्षा के इस मॉडल को अंगीकार कर रही है, और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जहां एक सुरक्षित माहौल के साथ साथ सुशासन का एक मॉडल दुनिया के सामने भारत ने दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का एक बेहतर मॉडल देने का कार्य किया है। आपके सामने एक उदाहरण पर्याप्त है। अभी रामनवमी का आयोजन संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है, और कोई इस कहने में संकोच नहीं कि मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रदेशों के अंदर भी सुरक्षा का वह बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और इसीलिए कल 102 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव सातों चरणों में इस मोमेंटम को इसी रूप में बनाए रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। राजस्थान जातिवाद के आधार पर नहीं, परिवारवाद के आधार पर नहीं, बल्कि राजस्थान राष्ट्रवाद, विकास, सुरक्षा और सुशासन के मोदी जी के मॉडल को स्वीकार करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अपना योगदान देगा। और राजस्थान में आज मुझे इस लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरे चरण में भी, यानी दूसरी बार अब जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं स्वयं उत्साहित हूं, क्योंकि राजस्थान में जब भी मैं जाता हूं वहां हमें कुछ नयापन देखने को मिलता है। लोगों का उत्साह जो है एक नए स्वरूप में देखने को मिलता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान ने गत लोकसभा चुनाव में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, 100% परिणाम दिया था। इस बार भी 100% परिणाम राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।